Hello, बच्चों, let's see this question. So this question says, a wire has a non-uniform cross section as shown in figure. A steady current flows through it. The drift speed of electrons at point P and Q is Vp and Vq. तो हमें चार ऑप्शन में Vp और Vq के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखना, ये जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन गिवन है. स्टेडी करंट I फ्लो थ्रू इट. अब इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो I हो रहा है, वो कॉन्स्टेंट है. ये करंट क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है. मतलब कि P पॉइंट पे भी करंट I है और Q पॉइंट पे भी करंट I है. ठीक है, I और IP और IQ इक्वल लिख सकते हैं. ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P एंड Q इज, देखना बच्चों हमें पता है J इज इक्वल टू होता है N, तो हम लिख सकते हैं I बाई A इज इक्वल टू N. ठीक है, तो I हमारा क्या हो गया, I इज इक्वल टू N A. अब I तो बच्चों क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो एन ई ए वी डी भी कॉन्स्टेंट होगा. अब एन ई भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दो, कॉन्स्टेंट ही मिलेगा. मतलब हम ये कह सकते ए वी डी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. तो यहां से ये पता चलता है जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है तब ड्रिफ्ट स्पीड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड कम, और जहां पे एरिया कम वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा. अब हम देखते हैं वीपी और वीक्यू में, हमें सीधा दिख रहा है कि एरिया ऑफ पी इज लेस देन एरिया ऑफ क्यू. ठीक है, पी वाला एरिया छोटा है, क्यू वाला बड़ा है. ठीक है, जैसे जैसे हम तरफ जाते हैं एरिया बड़ा होता जा रहा है. पी का छोटा है, क्यू का एरिया बड़ा है, तो यहां से ये पता चल सकता है क्योंकि एरिया वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड एट पी विल बी ग्रेटर देन एट ड्रिफ्ट स्पीड एट क्यू. तो वीपी इज ग्रेटर देन वीक्यू, तो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो रहा है. बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. थैंक यू सो मच.